साल 1989 में डायरेक्टर डेविड धवन की मूवी आई थी ताकतवर। इस मूवी में गोविंदा और संजय दत्त लीड रोल में थे। मूवी का बजट 1,54,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 3,05,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 3,80,00,000 की और यह मूवी हिट रही थी। साल 1989 में ही डेविड धवन की मूवी आई थी गोला बारूद, इसके लीड रोल में शत्रुघ्न सिन्हा और चंकी पांडे थे। इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कोई सटीक डेटा नहीं मिल पाया है, पर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। साल 1989 में इनकी अगली मूवी आई थी आग का गोला, इस मूवी में सन्नी देओल मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 2,30,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 3,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 4,10,00,000 की और यह मूवी एवरेज रही थी। साल 1990 में डेविड धवन की मूवी आई थी स्वर्ग, इस मूवी में गोविंदा और जूही चावला लीड रोल में थे। इस मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में पता नहीं चल पाया है, पर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। साल 1992 में इनकी मूवी आई थी शोला और शबनम, इस मूवी में गोविंदा और दिव्या भारती लीड रोल में थे। मूवी का बजट 3,00,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 5,80,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 10,50,00,000 की और यह मूवी हिट रही थी। साल 1992 में डेविड धवन की मूवी आई थी बोल दादा बोल, इस मूवी में ऋषि कपूर और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 2,50,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 4,07,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 8,05,00,000 की और यह मूवी हिट रही थी। साल 1993 में डेविड धवन की मूवी आई थी आंखें, इस मूवी में गोविंदा और चंकी पांडे लीड रोल में थे। मूवी का बजट 2,00,00,000 था, इसने भारत में कमाई की थी 13,50,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 18,84,00,000 की और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 1994 में डेविड धवन की मूवी आई थी राजा बाबू, इस मूवी में गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी का बजट 2,50,00,000 था, भारत में कमाई की थी 8,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 15,20,00,000 की और मूवी सुपर हिट रही थी। साल 1994 में डेविड धवन की मूवी आई थी अंदाज, इस मूवी में अनिल कपूर जूही चावला और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी का बजट 3,00,00,000 था, भारत में कमाई की थी 6,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 10,00,00,000 की और मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 1994 में डेविड धवन की मूवी आई थी इना मीना डीका, इस मूवी में ऋषि कपूर विनोद खन्ना और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 3,00,00,000 था, भारत में कमाई की थी 4,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 7,00,00,000 की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 1995 में डेविड धवन की मूवी आई थी कूली नंबर 1, जिसके लीड रोल में गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। मूवी का बजट 3,50,00,000 था, भारत में कमाई की थी 12,45,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 21,15,00,000 की और मूवी सुपर हिट रही थी। साल 1995 में डेविड धवन की मूवी आई थी याराना, इस मूवी के लीड रोल में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित थे। मूवी का बजट 5,00,00,000 था, भारत में कमाई की थी 6,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 9,00,00,000 की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 1996 में डेविड धवन की मूवी आई थी साजन चले ससुराल, इस मूवी में गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी को 5,00,00,000 के बजट में बनाया गया था, जो भारत में कमाई करती है 14,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 24,00,00,000 की और मूवी हिट रही थी। साल 1996 में इनकी मूवी आई थी लोफर, इस मूवी में अनिल कपूर और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 4,00,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 7,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 13,00,00,000 की और मूवी सेमी हिट रही थी। साल 1997 में डेविड धवन की मूवी आई थी जुड़वा, जिसके लीड रोल में सलमान खान और करिश्मा कपूर थे। मूवी का बजट 6,00,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 13,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 25,00,00,000 की और मूवी हिट रही थी। साल 1997 में डेविड धवन की मूवी आई थी हीरो नंबर 1, इस मूवी में गोविंदा और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी का बजट 6,50,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 17,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 31,00,00,000 की और मूवी सुपर हिट रही थी। साल 1997 में डेविड धवन की मूवी आई थी मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, मूवी में अक्षय कुमार और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 6,00,00,000 था, जिसने भारत में कमाई की थी 10,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 17,00,00,000 की और मूवी सेमी हिट रही थी। साल 1997 में इनकी मूवी आई थी दीवाना मस्ताना, इस मूवी में अनिल कपूर गोविंदा और जूही चावला लीड रोल में थे। मूवी का बजट 7,00,00,000 था, भारत में कमाई की थी 13,48,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 24,30,00,000 की और मूवी हिट रही थी। साल 1998 में इनकी मूवी आई थी बनारसी बाबू, जिसमें गोविंदा और रम्या लीड रोल में थे। मूवी का बजट 5,90,00,000 था, भारत में कमाई की थी 10,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 6,00,00,000 की और मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 1998 में डेविड धवन की मूवी आई थी घरवाली बाहर वाली, इस मूवी में अनिल कपूर रंभा और रवीना टंडन लीड रोल में थे। मूवी का बजट 5,00,00,000 था, भारत में कमाई की थी 8,00,00,000 की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 15,00,00,000 की और मूवी एवरेज रही थी। साल 1998 में
डेविड धवन की मूवी आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसके लीड रोल में गोविंदा और अमिताभ बच्चन थे। मूवी का बजट 19 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 35 करोड़ 14 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 10 करोड़ की और मूवी हिट रही थी। साल 1999 में डेविड धवन की मूवी आई थी बीवी नंबर वन, इस मूवी में अनिल कपूर और सलमान खान लीड रोल में थे। मूवी का बजट 12 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 26 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 50 करोड़ की और मूवी सुपरहिट रही थी। साल 1997 में डेविड धवन की मूवी आई थी हसीना मान जाएगी, इसके लीड रोल में गोविंदा, संजय दत्त और करिश्मा कपूर थे। मूवी का बजट 9 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 14 करोड़ 90 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 26 करोड़ 10 लाख की और मूवी हिट रही थी। साल 2000 में इनकी मूवी आई थी दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर लीड रोल में थे। मूवी का बजट 11 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 19 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 37 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। साल 2000 में इनकी मूवी आई थी चल मेरे भाई, इस मूवी में सलमान खान और संजय दत्त लीड रोल में थे। मूवी का बजट 14 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 23 करोड़ की और मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2000 में डेविड धवन की मूवी आई थी कुवारा, जिसके लीड रोल में गोविंदा और सुष्मिता सेन थे। मूवी का बजट 9 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 10 करोड़ 62 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 19 करोड़ 25 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 2000 में डेविड धवन की मूवी आई थी जोड़ी नंबर वन, इस मूवी में गोविंदा और संजय दत्त लीड रोल में थे। मूवी का बजट 10 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 18 करोड़ 73 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 34 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। डेविड धवन की अगली मूवी थी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, इस मूवी में गोविंदा और सुष्मिता सेन लीड रोल में थे। इस मूवी को 8 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 7 करोड़ 77 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 13 करोड़ 24 लाख की और मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 2002 में डेविड धवन की मूवी आई थी हम किसी से कम नहीं, इस मूवी में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे। इस मूवी का बजट 19 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 23 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2002 में इनकी मूवी आई थी ये है जलवा, इस मूवी में सलमान खान और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। मूवी को 8 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 6 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 11 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। इसके बाद साल 2003 में डेविड धवन की मूवी आई थी एक और एक 11, इस मूवी में गोविंदा और संजय दत्त लीड रोल में थे। मूवी का बजट 8 करोड़ 50 लाख था, जिसने भारत में कमाई की थी 11 करोड़ 57 लाख की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 19 करोड़ 24 लाख की और यह मूवी बिलो एवरेज रही थी। साल 2004 में डेविड धवन की मूवी आई थी मुझसे शादी करोगे, इस मूवी में अक्षय कुमार और सलमान खान लीड रोल में थे। मूवी को 19 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 29 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 56 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। साल 2005 में डेविड धवन की मूवी आई थी मैंने प्यार क्यों किया, इस मूवी के लीड रोल में सलमान खान और कैटरीना कैफ थे। मूवी का बजट 15 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 26 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 48 करोड़ की और यह मूवी सेमी हिट रही थी। साल 2005 में इनकी मूवी आई थी शादी नंबर वन, इस मूवी में संजय दत्त, शर्मन जोशी और जायद खान मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 15 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 21 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2007 में डेविड धवन की मूवी आई थी पार्टनर, इस मूवी में गोविंदा और सलमान खान लीड रोल में थे। मूवी का बजट 28 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 60 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 99 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट रही थी। साल 2007 में इनकी मूवी आई थी डू नॉट डिस्टर्ब, इस मूवी में गोविंदा और रितेश देशमुख मुख्य भूमिका में थे। मूवी का बजट 28 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 16 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 27 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2011 में डेविड धवन की मूवी आई थी रास्कल्स, इस मूवी में अजय देवगन और संजय दत्त लीड रोल में थे। मूवी को 46 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 34 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 51 करोड़ की और यह मूवी फ्लॉप रही थी। साल 2013 में इनकी मूवी आई थी चश्मे बद्दूर, इस मूवी का बजट 20 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 42 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 63 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। साल 2014 में डेविड धवन की मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, इस मूवी में
डेविड धवन के बेटे वरुण धवन लीड रोल में थे। मूवी का बजट 41 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 54 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 79 करोड़ की और यह मूवी सेमी हिट रही थी। साल 2017 में डेविड धवन की मूवी आई थी जुड़वा 2। इस मूवी में वरुण धवन और जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में थे। मूवी का बजट 50 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 138 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड इसने कमाई की थी 213 करोड़ की और यह मूवी सुपर हिट रही थी। तो ये थी डेविड धवन की अब तक की सभी फिल्में। आप कृपया कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।